अब मेरी युक्ति को सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। वहां शतानन उस वनवासी और उसकी सेना का अंत कर देगा, और यहां मैं तुम्हारा अंत करूंगा वानर, तुम्हारा अंत करूंगा। विभीषण जी व्याकुल दिखाई दे रहे हैं। कदाचित ये नहीं चाहते कि मैं ये मास्त्र चलाऊं। कदाचित प्रभु मेरी मनोदशा को समझ गए हैं। प्रभु रुक जाइए। शतानन ये जो कर रहे हैं वो भ्राता रावण की मृत्यु से उपजे क्रोध एवं पीड़ा का परिणाम है। मेरे विचार से एक बार उन्हें समझाया जाना चाहिए। प्रहता रावण को भी आपने संभलने के अनेकों अवसर प्रदान किए थे। प्रहता शतानंद को एक अवसर प्रदान कीजिए प्रभु। धर्मी का नहीं अधर्म का अंत करना आवश्यक है। इसलिए विभीषण जी जाइए और अपने भ्राता शतानन को समझाइए। यदि वो अहंकार अधर्म एवं क्रोध का त्याग करता है तो उसी क्षण यह युद्ध समाप्त हो जाएगा। धन्यवाद प्रभु। मुझे भ्राता शतानन के पास जाने की अनुमति दीजिए। मैं भी आपके साथ चलूंगा विभीषण जी। हो सकता है शतानन आप पर ही आक्रमण कर बैठे, तो आपकी सुरक्षा के लिए मैं तो उपस्थित रहूंगा आपके साथ। ये उचित है। आज्ञा दीजिए प्रभु। अभी तो अंधकार है, सातवें आदित्य के उदित होने में कुछ ही क्षण शेष है, फिर भी यहां शतानंद का कोई प्रतिरूप दिखाई नहीं दे रहा है। है कहां शतानंद? ये समस्त ऊर्जा उसी स्थान पर केंद्रित हो रही है। गर्जन की ध्वनि भी वहीं से आ रही है। हम उसी ओर जाएंगे। भ्राता शतानन, मैं आपका अनुज विभीषण आपसे
शांति वार्ता करने आया हूं। कहां हैं आप? मैं आपसे भेंट करना चाहता हूं। भ्राता शतानंद, भ्राता शतानंद, प्रणाम भ्राता श्री। मैं लंका अपना परिवार सबको छोड़कर प्रभु श्री राम की शरण में आया हूं। बड़े मूर्ख हो तुम विभीषण। स्वयं अपनी मृत्यु को प्रणाम करने चले आए? प्रातः श्री, सबको खो चुका हूं मैं। आप ही मेरे शेष भ्राता हैं। आपको खोना नहीं चाहता, इसलिए आपको समझाने चला आया। मुझे समझाओगे तुम कुलघाती? ये अस्त्रों का चक्रव्यूह, ऐसा ही अस्त्रव्यूह मैंने बाल्य अवस्था में यक्षलोक में भंग किया था। देख क्या रहे हो वानर? अन्य लोगों की भांति यहां तुम्हारे प्रभु का नाम कोई काम नहीं आएगा। ये मेरा अस्त्र समाप्त कर देगा तुम्हें। सावधान साथियों, ये शतानन के प्रतिरूप गुंबद के बंधन को तोड़कर निकल आए हैं। अब मेरे एक संकेत पर मेरे ये मायावी अस्त्र तुम्हारे प्राणों को तुम्हारे शरीर से विलय कर देंगे। उदित होते अष्टम आदित्य की प्रकाश रश्मियों के यहां आते ही ये राक्षस तो स्वतः निष्क्रिय हो जाएंगे। इसी अंतराल में महाराज विभीषण और अंगद भी सुरक्षित लौट आएंगे। प्रभु, मुझे उन्हीं की चिंता सता रही है। कहीं वो दुष्ट राक्षस उन दोनों का अहित करने में सफल न हो जाए। Ah!
ये घातक प्रकाश पुनः उत्पन्न होकर क्षति पहुंचा रहा है मुझे। इस अंधकार में पुनः सुरक्षित हो गया हूं मैं। जय श्री राम। दुष्ट मायावी वानर, यहां से मुक्त हो गए हो, परंतु मेरे इस लोक से जीवित नहीं बच सकोगे। कुलकाती पात्रद्रोही, विभीषण लुप्त होने दो ये प्रकाश, फिर अपने हाथों से अंत करूंगा तुम्हारा। रुकिए महाराज विभीषण। भ्राता श्री, आज आपका ये अनुज आपके समक्ष एक भिक्षुक की भांति आपसे विनती करने आया है। आज तुम्हारी कोई चाल सफल नहीं होगी कुलकाती। एक पल के लिए अपना क्रोध, अपना प्रतिशोध त्याग दीजिए। आपका क्रोध और आपकी माया मुझे प्रभु श्री राम के कार्य को पूर्ण करने से नहीं रोक सकती मयासुर। इसलिए मैं पुनः आपसे निवेदन करता हूं, त्याग दीजिए अपने क्रोध को। आज यहां तुम्हारे काल से तुम्हारी भेंट का कार्य ही पूर्ण होगा वानर। ये क्या कर रहे हैं आप? अपने क्रोध से अपने ही लोक को नष्ट कर रहे हैं। भ्राता श्री, क्रोध वर्ष क्यों अपने विनाश का चयन कर रहे हैं? एक बार विचार करके देखिए, आपका ये अनुज ये होते हुए कैसे देख सकता है? प्रतिशोध से हमें कुछ प्राप्त नहीं होगा भ्राता श्री। मेरे और समीप आ जाओ कुलकाती, फिर तुम्हारा सर्वनाश मैं करूंगा। क्रोध कितना हानिकारक है मुझे उसका भान है, परंतु मैं विवश हूं। मुझे मेरा क्रोध ही अत्यधिक प्रिय है विभीषण। मुझे मेरा लोक अत्यधिक प्रिय है वानर, परंतु उससे भी अधिक प्रिय है मेरा प्रतिशोध, जिसके लिए ये मेरा लोक तो क्या, संपूर्ण पृथ्वी भी नष्ट हो जाए तब भी अपने प्रहार नहीं रोकूंगा वानर। तुम्हारा अंत किए बिना शांत नहीं होऊंगा मैं, निरंतर वार करूंगा मैं, अंत करूंगा इस वानर का। कैसा अनिष्टकारी भूकंपन है ये, सैनिकों
सैनिकों! मेरे वितर लोक के सुख को खंडित करने वाला ये कैसा भूकंप उत्पन्न हो रहा है? अचानक प्रकट हुए इस कंपन ने तो हमारे अतल लोक के सौंदर्य को क्षति पहुंचा दी। ये अस्त्र मुझे तो कोई हानि नहीं पहुंचा सकेंगे, परंतु कहीं ये तलातल लोक के साथ अन्य लोकों और संपूर्ण धरती का नाश न कर दें। मैं अपने स्थान से नहीं डिगूंगा, स्थिर रहकर सामना करूंगा प्रत्येक संकट का। भाभी माँ को कोई क्षति नहीं पहुंचने दूंगा। अब तो प्रभु राम के नाम की महिमा से ही ये विपदा दूर हो सकती है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। संपूर्ण धरती समस्त लोकों में वास करने वाले जीवों के हित के लिए मुझे इन अस्त्रों को प्रहार करने से रोकना ही होगा। सूझ गई युक्ति, मिल गया उपाय। मेरे अस्त्रों का लक्ष्य परिवर्तित कर ये वानर क्या करने की चेष्टा कर रहा है? अंजनी सुत संभक्त ना होई, जाको राम सेवा ना कोई। माया सुर अचरज संग निहारी, अस्त्र से लिख कपि राम दीदारी। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। राम सिया राम, सिया राम जय हनुमान। ये गागा महाबली हनुमान की, रुचिकर लीला राम भगत की। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। जय 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 रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। धन्य है हनुमान, उन्होंने अपनी इस अद्भुत लीला से दर्शा दिया है कि यदि अस्त्र शस्त्र की शक्ति राम नाम से जुड़ जाए तो वो भी व्यर्थ संहार नहीं करती। इसलिए प्रत्येक शक्ति संपन्न व्यक्ति को राम नाम की शरण में जाना चाहिए, जिससे उसकी शक्ति अकारण विनाश नहीं अपितु संसार की सुरक्षा का कारण बनेगी। परंतु प्रभु, मुझे संदेह कि इस राम नाम की अपार महिमा को मायासुर या सतानंद समझ सकेंगे। विभीषण, धर्म और अधर्म का कोई अर्थ नहीं है मेरे लिए। धर्म अधर्म आपके लिए अर्थ ही नहीं सही, किंतु अपने उस परिवार के विषय में तो सोचिए जिसके प्रेम से आप वंचित रहे और जिसे आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरे अग्रज होने के नाते लंका के राज सिंहासन पर आपका ही अधिकार होगा और मुझे पुनः अपने अग्रज के सान्निध्य में रहकर सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। वर्षों तक आप अकेले रहे, अब अपने परिवार के साथ रहने का अवसर व्यर्थ मत जाने दीजिए। प्राताश्री, व्यर्थ मत जाने दीजिए। विभीषण, तुम कदाचित उचित कहते हो, मुझे इस प्रतिशोध को भूलकर शेष बचे अपने परिवार के हित के बारे में सोचना चाहिए। विभीषण,
अपने शब्दों से मेरे विवेक को जागृत करने के लिए तुम्हें कोटि कोटि धन्यवाद प्रियानुज। अब इस सुख में अनुभूति को और बढ़ाने के लिए मेरे पास आ जाओ विभीषण। आओ मेरे भ्राता, तुम्हारा भाई तुमसे गले मिलना चाहता है। मेरी इच्छा के विरुद्ध मेरे लोक से कोई भी जीवित लौट के नहीं जा सका। फिर तुम किस अपनी माया जाल के प्रभाव से ये कर पा रहे हो वानर? प्रभु श्री राम के नाम की महिमा ने किस प्रकार प्रत्येक लोक में मेरी सहायता की, उसके प्रत्यक्षदर्शी रहे हैं आप। फिर भी प्रभु श्री राम के नाम की महिमा को स्वीकार करने से स्वयं को क्यों रोक रहे हैं? महिमा? कैसी महिमा? कौन सी महिमा? कोई महिमा नहीं है उस वनवासी के नाम की। अवश्य तुम्हारी किसी माया का प्रभाव है, अन्यथा क्या है उस साधारण वनवासी में जो स्वयं एक तुच्छ नर के सिवा कुछ भी नहीं। दुष्ट मयासुर, प्रभु श्री राम के लिए अनर्गल भाषा का प्रयोग और उनका अपमान कर तुमने सारी मर्यादा तोड़ दी है। अब इसका परिणाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। अधर्मी व्यक्ति पर सहज विश्वास नहीं करना चाहिए, चाहे वो सगा ही क्यों ना हो।